आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए बाकी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। बैठक में एनडीए के महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा एवं बिहार के सहयोगी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं झारखंड के धनबाद और चतरा सीटों से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होना बाकी है। आज होने वाली इस बैठक में इस दोनों सीटों पर मंथन हो सकता है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित होने वाले इस कोर कमेटी की मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पार्टी चीफ जेपी नड्डा शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज दिल्ली में मंथन करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाना है। कांग्रेस के कुछ राज्यों की आई पहली सूची के बाद अब प्रत्याशियों के चयन को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहली सूची में कुछ बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारे जाने के बाद पार्टी आज दिल्ली की 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी की तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर स्वीकृति की मुहर लगाई जाएगी। सूत्र बताते हैं कि चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल, उत्तर पूर्वी दिल्ली से अरविंदर सिंह लवली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से राजकुमार चौहान के नाम पर स्वीकृति बन सकती है, लेकिन ऊपर से हस्ताक्षर होने पर चांदनी चौक से अलका और उत्तर पश्चिमी सीट से उदित राज का नाम भी तय हो सकता है। उस सूरत में लवली भी उत्तर पूर्वी सीट से दावेदारी छोड़ सकते हैं। वैसे उत्तर पूर्वी सीट पर कन्हैया कुमार के नाम की भी चर्चा है। वहीं झारखंड में भी अभी तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हुआ है। चुनाव को लेकर कांग्रेस आज दिल्ली में मंथन करने वाली है। सीईसी की बैठक होगी। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर अंतिम मुहर लगेगी। इसके अलावा झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला बैठेगा, इस पर भी मंथन होना है। दिल्ली की 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। सीईसी की मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर स्वीकृति की मुहर लगाई जाएगी। कन्हैया कुमार समेत कई चेहरे उम्मीदवार हो सकते हैं। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का आज दिल्ली में मंथन। सीईसी की बैठक है। पहली सूची के बाद अब प्रत्याशियों के चयन को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें झारखंड में अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं हुआ है, और जब तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं होता तब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान फिलहाल संभव नजर नहीं आता। सीट पहले क्लियर हो जाए, किसके खाते में कितनी सीटें आई हैं, कौन सी सीटें आई हैं, उसके बाद वहां से कौन प्रत्याशी होगा, इसकी घोषणा होगी। लेकिन झारखंड में अभी इन चीजों को लेकर सस्पेंस ही है। और सहयोगी भावना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। भावना, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और इसी को लेकर सभी दल रणनीति में हैं। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। बिल्कुल, आपको बता दूं कि दोनों की पहली बैठक हो चुकी है, ये दूसरी बैठक है जो कि आज होने जा रही है। आज शाम को जहां कांग्रेस की भी सीईसी की बैठक है, तो वहीं बीजेपी की भी आज शाम को सीईसी की बैठक हो रही है। जी, कांग्रेस की बात करेंगे तो जो है कई राज्य इसमें शामिल है जिनको लेकर ये बैठक होगी, क्योंकि पहले फेज में जब सीसी हुई तब राज्यों को लेकर बैठक हुई और लगभग 39 यानी कि 39 नाम जो है सामने आए, जिसमें राहुल गांधी का भी नाम रहा वायनाड से। ऐसे में दोबारा डिस्कशन होना है। तो वही बीजेपी की भी बैठक है आज सीसी, और किन राज्यों को लेकर चर्चा होगी ये जानना दर्शकों के लिए जरूरी है। तो बता दें उन सभी को कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार के जो सहयोगी राज्य है उनके साथ आज भाजपा जो है बैठक करने वाली है, ताकि बंटवारे पर चर्चा हो सके कि आखिर इस बार किसको उम्मीदवार बनाया जा रहा है। ऐसे में दो बैठकें दिल्ली में बेहद अहम रहने वाली है। जी, लेकिन भावना, झारखंड के लिहाज से आप देखें तो झारखंड में तो अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं हो पाया है, और शायद यही वजह है कि इसमें जितनी देरी हो रही होगी उतनी देरी से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। तो अब जल्दी, बहुत जल्द करना होगा। कम से कम क्या फॉर्मूला है, कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, बाकी दलों को के हिस्सों में कितनी सीटें आ रही है, ये सब अब जल्दी तय करना होगा।
देखिए बीजेपी के लिहाज से बात करें तो 11 सीटों के नामों की घोषणा हो चुकी है, 2 सीटों के नामों की घोषणा होना अभी बाकी है। ऐसे में चर्चा परिचर्चा तो कोर ग्रुप के दौरान ही हो चुकी है। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के लिए, क्योंकि गठबंधन के साथियों को भी नाराज नहीं करना है, सीटों के बंटवारे को भी ध्यान में रखकर अनाउंसमेंट करनी है, और जहां तक नेशनल अलायंस कमेटी के साथ लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस का चल चुका है, ऐसे में कहा जा सकता है कि सीट बंटवारे को लेकर मंथन पूरा हो चुका है। अब बस इंतजार है कि किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि संभवतः आज या फिर अगली जो सीसी होगी कांग्रेस की, उसमें झारखंड को लेकर स्पष्ट तौर पर जो है चर्चा हो सकती है। लगभग शाम 4 बजे तक ये पता चल जाएगा कि आखिर झारखंड को इस बार सीसी में शामिल किया गया है या फिर तीसरी सीसी में झारखंड को लेकर चर्चा होगी कांग्रेस की। जी, चलिए नजर बना रखे, अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों पार्टियों की, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सीसी की बैठक है, उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन होना है, रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि कांग्रेस की जो बैठक होने वाली है, क्या उसमें आज झारखंड पर भी चर्चा होगी, इसे लेकर थोड़ा सस्पेंस है। क्योंकि देखिए अब तक झारखंड में सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा ये भी अब तक तय नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले ये बड़ी बात होगी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद प्रत्याशियों के नाम पर मंथन और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो पाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।